deep in the shadows. I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is the echo. Where do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadows. I know you're scared. Take my hand together. We'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find a way. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. छलवी नहीं जग रही है, छलवी को नहीं जाना है सोलापुर। छलवी चलो सोलापुर जाना है, सोलापुर। नो बेबी उठो, उठ जा डुगू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेबी। मार्केट जाना है। टेडी बियर कहाँ है, बोल कहाँ है? साल्वी के साथ जाना है हमको पापा। उठो होंगे। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि हम लोग केरला आए हुए हैं और आज हमारा लास्ट डे है और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट। देन उसके बाद एयरपोर्ट से हम लोग हैदराबाद का फ्लाइट लेंगे, उसके बाद हम लोग सोलापुर जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सिर्फ मज़ा आने वाला है। लेट्स गो। We should be equal, should be living free. All together, one and all. All together, one and all. All together, one and all. Let's live a better day.
कराएंगे एंड उसके बाद लगेज वगैरह जमा कराएंगे। और यहाँ पे जो रास्ता है काफ़ी ख़राब था, मतलब माउंटेन है ना, तो ऐसे टर्निंग टर्निंग था, बहुत ज़्यादा पेट मतलब वो हो रहा था, वॉमिट जैसा हो रहा था। फाइनली हुआ तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा। चलते हैं बाहर। चलो सालवे। तो फ्रेंड्स हम लोग एयरपोर्ट आ चुके हैं, कालीकट एयरपोर्ट है और 9:35 हो रहा है अभी। और हमारा जो बोर्डिंग टाइम है वो 11:35 का है, तो हम लोगों ने टिकट वगैरह कलेक्ट कर लिया है और लगेज भी जमा कर दिए हैं, लगेज भी जा चुका है। और अभी हम मैं ये देख रही हूँ कि गेट नंबर 4 कहाँ है, वहाँ पर जाके बैठना है और अपना हैंड बैग वगैरह स्कैन कराना है, तो यही सब काम बाकी है। लेकिन हम लोग बहुत टाइम से पहले ही पहुंच चुके हैं, तो हो चुका है सारा चीज़। और यहाँ पे देखो शालवी क्या कर रही है। तो शालवी मस्ती कर रही है यहाँ पे। और चलते हैं गेट नंबर 4 की तरफ। हेलो मैम, गेट नंबर 4 किधर होगा? ऊपर में है। सालवी चलो ऊपर ऊपर छोड़ दो बाबू, डॉक्टर सीट लो और चलो चलो ऊपर जाना है ऊपर। चल हाँ बाबू चल आ जाओ। ए लड़की ए चलो डुकू चलो अभी। ओ हेलो ऊपर। अरे चलिए ना, बदमाशी कर रही है। बाबू हम लोग जा रहे ऊपर। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? बदमाश लड़की है, आती है एयरपोर्ट पे बदमाशी करने। बदमाश सालवी फेंक दे डस्टबिन में, गया देखो। सालवी रुको 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 सालवी एक मिनट सुनो। कहाँ गई? देखो गाइज, अभी का अपडेट ये है कि हमारा जो बोर्डिंग टाइम था हैदराबाद इंडिगो फ्लाइट का, वो 11:35 में था और अभी हमें पता चला कि वो 12 बजे बोर्डिंग टाइम होगा। देन उसके बाद 12:45 में वो डिपार्चर होगा टाइमिंग, तो वही सब है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एयरपोर्ट काफ़ी हद तक ठीक है, बट उतना अच्छा नहीं है जैसे आप हैदराबाद और
कलकत्ता और मुंबई वगैरह का देखते हैं, बहुत छोटा सा मिनिमल सा एयरपोर्ट है, जैसे कि बेसिक नीड पूरा हो जाए वही चीज़ है। और खाने के नाम पे सिर्फ एक कैंटीन दिख रहा है वहाँ पे, और वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है। सुबह में हम लोग आए थे 9:35 में, तो हम लोगों ने मफिन्स लिया था, कप केक, एंड उसके बाद अभी हम लोगों ने वेज सैंडविच लिया आई थिंक, देन उनके पास वेज सैंडविच भी नहीं था, वो नॉन वेज सैंडविच दिए बिना बोले। तो यही सब है। और शालवी को हम लोगों ने सैंडविच वगैरह खिला चुके हैं और उसको जूस वूस पिला के अच्छी हो गई है। देन उसके बाद हम लोग हैदराबाद का ट्रैवलिंग करेंगे, देखते हैं क्या हो रहा है। और बाय द वे ये है मेरा आज का लुक, कैसा लग रहा है ज़रूर मुझे कमेंट बताइएगा। मेरा वो ब्लूटूथ वाला हेडफोन मिल नहीं रहा है, पता नहीं घर में कहाँ खो गया, घर से मुझे वायर वाला हेडफोन यूज़ करना पड़ रहा, तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाता है फ्लाइट ट्रैवलिंग वगैरह। तो अभी मैं फ़्लाइट में जाकर थोड़ा सा नींद वगैरह लूँगी, स्नैप वैप लेके, देन उसके बाद वीडियो एडिट करूँगी कल का, क्योंकि कल हम लोगों ने कोझिकोड़े बीच गए थे, तो वहाँ पे बीच वगैरह देखे एंड केरला के फेमस स्पाइसेस वगैरह लिए फैमिली और फ्रेंड्स के लिए और रिलेटिव्स के लिए। तो ये सब है, तो कल के व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो ये व्लॉग जब तक से आएगा तब तक से वो वाली व्लॉग तो जा चुकी होगी, आप देख भी लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट से निकलने के बाद, फ्लाइट में बैठने के बाद आपसे मिलती हूँ। श्री ओ।
कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? ये बोले तो मेरे को ऐसा लग रहा था सीरियसली मजाक कर रहे हैं, अरे हो गया ट्रांसफर, मैं बोले कि व्हाट्सएप सेंड करो, तब देखा तब वो समझ में आया। मेरे को ऐसा भी लग रहा था कि काश अभिषेक कुमार बहुत ज्यादा है इनके ब्रांच में, तो किसी और का निकला होगा। नहीं एक्चुअली जब निकला तो मैं दुख लो चले। बहुत प्यारा सा रेस्टोरेंट है गाइस, मेन हाईवे के पास है। आपका गिरा गिरा ही तो देखा नहीं आपको, जानबूझ के ऐसे के। जूस नहीं है वो, इट्स अ पिक। सोलापुर में, और अभी मैं जा रही हूँ शालवी के लिए दूध गर्म करने और अभिष के लिए चाय बनाने, क्योंकि उनका डिमांड हुआ है कि चाय पीना है मुझे, तो मैं शालवी के लिए दूध बनाती हूँ, देन चौकोच वगैरह है तो वो खाएगी, और उसके बाद हम लोग सोएंगे। शालवी को ऑयल भी लगाना है, मालिश भी करना है, मसाज भी देना है, देन उसको मसाज वसाज करके अच्छे से सुलाऊंगी और खुद सोऊंगी,
कल सुबह उसे उठूंगी तो सारा काम करूंगी, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी है, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है 24 दिन रहने से, 14 दिन रहने से बाहर। तो अभी हम दिखा नहीं सकते कितना चीज़ गंदा हुआ है, क्या क्या चीज़ें हुई है। अभी क्या हुआ था कि वहाँ पे जो डोर है वहाँ पे चीटी ने घर बना रखा था, तो सारे जो उसके सीमेंट बालू है ना वो बाहर आ रखे थे, तो मैंने उससे अच्छे से साफ किया, झाड़ू लगाया, और अभी जा रही हूँ दूध गर्म करती हूँ। जर्नी ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब की नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अभी मैं दूध गर्म कर रही हूँ तो उसे टाइम लगेगा, तब तक बाय।